हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूजा कविया। चुनावों का दौर आते ही सारे राजनीतिक दल एक्शन मोड में नजर आने लगते हैं, लेकिन लगता है कि हरियाणा में विपक्ष सोया हुआ है। प्रदेश में हर तरफ हड़ताल से हाहाकार है, लोग बेहाल हैं, लेकिन विपक्ष के दिग्गज नेता जनता के बीच जाकर उनका दर्द सुनने को तैयार नहीं है। क्या इस तरह से राज्य सरकार को विपक्ष घेरने में कामयाब साबित होगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। पहले एक आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर आज इसी को लेकर करेंगे चर्चा। प्रदेश में हड़तालों का दौर जारी है। कहीं अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, तो कहीं प्रदर्शनकारी काम रोककर नारेबाजी कर रहे हैं। सरकार महज आश्वासन देकर अपना पलड़ा झाड़ रही है, या यूं कह सकते हैं कि सरकार इस ओर ध्यान न देकर अपनी चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं बात करें विपक्ष की, तो उसकी भूमिका पर कई सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष इस विधानसभा चुनाव से पहले जन सरोकार से जुड़े मुद्दों को मुखरता के साथ नहीं उठा पा रहा है। चाहे सोनीपत के राठदाना गांव की घटना हो, जहां एक शख्स ने खुद को आग लगा ली थी, चाहे अधिग्रहण होने वाली जमीन की मुआवजा राशि में वृद्धि की मांग को लेकर धरने पर बैठे किसान की खुदकुशी का मामला हो, विपक्ष खुले तौर पर इन मुद्दों पर बात करने से पछता दिखाई दे रहा है। यूं भी कह सकते हैं कि विपक्ष भी कई दलों में बट गया है। चौटाला परिवार में दरार के बाद भी विपक्ष को टूट का सामना करना पड़ा था। हालांकि हरियाणा कांग्रेस ने इससे बचते हुए आपसी गुटबाजी को खत्म कर पूरे कुनबे को समेटने की कोशिश की थी, लेकिन हड़ताल और प्रदर्शन को लेकर बेबाक तरीके से कांग्रेस भी बात करने से बचती नजर आ रही है। ऑफिस में नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन की मीटिंग में बिजी है, तो हम यहीं पे एक रोड के किनारे बैठे हुए हैं और हम लोगों की मांग है कि हमारे मुख्यमंत्री से मिलने का समय दिया जाए और हम अपनी मांगों के लिए हम बार बार सड़कों पर उतरना हमें भी अच्छा नहीं लगता। सरकार से हम बार बार अपील करते हैं कि हमारी मांगें पूरी की जाए। हालांकि किरण चौधरी कल तो शाम में किसानों से बात करती नजर आई, लेकिन उनके अलावा कांग्रेस के बड़े नेता फिर भी खुले तौर पर हड़ताल के बारे में बात करने से बच रहे हैं। पिछले 5 साल से लगातार मैं ये डिमांड जो है पानी की, नहरी पानी की, पीने के पानी की उठाती आ रही हूँ, विधानसभा में उठाई है। और ये तो मैं रिकॉर्ड की बात है, क्योंकि सदन पटल पे जो भी बात कही जाती है वो तो रिकॉर्ड हो जाता है। जब मेरे समय पर गांव-गांव के अंदर डिक्कियां बनाई थी, सारा काम करा था, नहरें बनवाई थी, लेकिन आज जो है नहरों के अंदर पानी नहीं है, तो उसका नतीजा ये है कि ये 40 गांव जो हैं वो आज जो है धरने स्थल पे बैठे हुए हैं। आज मैं इसलिए गई, मैंने मेरी अफसरों से बात हुई, क्योंकि ये तीनों जो नहरें
जो यहाँ से निकलती है, चाहे जूही कैनाल हो, चाहे शिवानी कैनाल हो, चाहे निगाना फीडर हो, तीनों जो हैं चौधरी बंसीलाल जी ने बनाई थी और तीनों तो शाम को टच करती हुई निकाली थी कि तो शाम के अंदर कोई कमी ना रहे। आज कमी क्यों आ रही है? क्योंकि हमारा जो पानी है 700 क्यूसेक पानी, वो हमारा जो है इन्होंने खत्म कर दिया है, हमारे को दे नहीं रहे। समान बंटवारे के पानी की बार बार मैंने आवाज उठाई है, वो हमारे को दे नहीं रहे। 2014 चुनाव से पहले बीजेपी ने जन सरोकार के मुद्दे उठाकर हुड्डा सरकार को उखाड़ फेंका था। लगता है ये सबक भी कांग्रेस भूल चुकी है, जिसके बाद वो बेहद कमजोर तरीके से चुनावी कैंपेनिंग में लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो रिपोर्ट आपने देखी, कहा जाता है कि जनता जिन मुद्दों को जनता के लिए सरकार नहीं उठा पाती, या फिर ऐसी कई योजनाएं जो कि जनता तक नहीं पहुंच पाती, जो काम सरकार का होता है, अगर उसमें सरकार विफल रहती है तो उन मुद्दों को उठाने का काम विपक्ष करता है। लेकिन यहां विपक्ष कर क्या रहा है, इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज का महत्वपूर्ण सवाल, जिस पर आप अपनी राय दे सकते हैं, क्या विपक्ष हड़ताल और प्रदर्शन जैसे मुद्दों पर मुखर होकर सरकार को घेरने में असफल साबित हुआ है? जो भी आपका जवाब है हां और ना, इन नंबर्स पर आप अपना जवाब जरूर भेजिए। तो खास चर्चा में खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उन सभी खास मेहमानों का इंट्रोडक्शन हम करा देते हैं। दलबीर धनखड़ जी प्रवक्ता जेजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश कौशिक जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ प्रदीप पराशर जी प्रवक्ता इनेलो की तरफ से जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रामनिवास जी जिला सचिव एसकेएस की तरफ से जुड़े हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अंकुर चौधरी किसान नेता की तरफ से, और हमारे साथ राजेंद्र शर्मा जी प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और ये सभी मेहमान आज इसलिए हैं क्योंकि इन सभी की आवाज बहुत जरूरी है। वो आवाज जो सरकार के कानों तक पहुंचनी चाहिए, वो आवाज अगर उसको दबाने का काम किया जाएगा तो वो सरकार को, सत्ता पक्ष को उखाड़ फेंकने का काम भी करे। लेकिन क्या इस वक्त वो आवाज कहीं दबी हुई सी महसूस हो रही है? यही आज का हमारा मुद्दा और इसी को लेकर हम चर्चा का आगाज करते हैं। सबसे पहला सवाल कांग्रेस से राजेंद्र शर्मा जी जो हमारे साथ जुड़े हैं। राजेंद्र जी, प्रदेश में क्या मुद्दों की कमी है, या फिर ऐसे मुद्दे जिनका सीधा सरोकार जनता से है आप उन मुद्दों को उठा नहीं पा रहे? मुझे आप ये बता दीजिए, आपकी रणनीति क्या रहने वाली है? जनता के बीच जाकर उनके मुद्दे उठाना, या पहले आपसी गुटबाजी या आपसी जो भी खेमेबाजी है उसको सुलह कर लेना? देखिए पूजा जी, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मुद्दे उठाए हैं और विपक्ष का काम किया है। रोड पे भी मुद्दे उठाए हैं, संसद में भी मुद्दे उठाए हैं। मुद्दे उठाने का काम किया कांग्रेस पार्टी, मुद्दे उठाने का काम करती रहेगी। परंतु आज जो भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से भटककर देश को धर्म नीति में, देश को पाकिस्तान नीति में और देश को अन्यत्र नीतियों में ले गई, इससे मुद्दे सारे गौण हो चुके हैं। कोई भी मुद्दा सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि मुद्दा जो होता है, आज बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है। 25 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के जू तक नहीं रहेंगे इस बात की। राजेंद्र जी, ये मुद्दा वाकई में बड़ा है, लेकिन मुझे ये बताइए जो फिलहाल के मुद्दे हैं, चरखी दादरी में किसान ने आत्महत्या कर ली, इस मुद्दे पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया है क्या? किसान, वही आना चाहूंगा किसानों के लिए सरकार, मैं वही आना चाहूंगा। चरखी दादरी में हमारे नेता किरण चौधरी जी है, किसानों के पास गई, उनके दुख दर्द को जाना और उनको आश्वासन देने का भी उन्होंने काम किया। उसके साथ साथ मैं बताता हूँ, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मुद्दे उठाए हैं, परंतु जो आज बड़े मुद्दे हैं, जो बड़े मुद्दे हैं, किसान ने आत्महत्या की है तो बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये सरकार हमेशा किसानों के विरोधी सरकार रही है और उसके साथ साथ ये सरकार मजदूरों के विरोधी सरकार है। आज मजदूर रोड पे हैं, किसान रोड पे हैं और जितनी भी हमारी सरकारी संस्थाएं सारे लोग रोड पे हैं, परंतु खट्टर साहब अपने आशीर्वाद के अंदर लगे हैं, अपनी बस यात्रा के अंदर घूम रहे हैं। और आप किस में लगे हैं, आप उन मुद्दों को उठा पा रहे हैं? देखिए, हमने मुद्दे उठाए, मैं कह रहा हूं मुद्दे उठाए हैं हमने, हम जगह जगह हमारे स्थानीय नेता उन मुद्दों को उठाते रहे हैं और लोगों के बीच जाते रहे हैं। ठीक है, आने वाले चुनाव में आप लोगों को इन बातों का पता लगेगा, कांग्रेस पार्टी मुद्दे उठाती रही है। दलबीर धनखड़ जी, यही सवाल आपसे भी है, क्योंकि आप हमेशा मुखर होकर बोलते हैं, कहते हैं कि हम हर मुद्दों को उठाते हैं और कोशिश हमारी यह रहती है कि सिर्फ मुद्दे उठाए ना, उनका समाधान भी ढूंढे। हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं, चाहे किसान वर्ग हो, रोडवेज के कर्मचारी हो, प्रदर्शनकारी टीचर्स हो, तमाम ऐसे वर्ग हैं जो इस वक्त हड़ताल प्रदर्शन धरने पर बैठे हैं। कहां आवाज उठ रही है इन लोगों की, सरकार के कानों में क्यों जू नहीं रेंग पा रही है, क्यों आखिरकार विपक्ष ऐसे मुद्दों को नहीं उठा पा रहा है जो आपका हथियार हो सकता है? सर पूजा जी, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, कोई कसर नहीं, मुद्दे इतने हैं हम गिन भी नहीं सकते यहां बैठे, और हर तरह का वर्ग,
कर्मचारी वर्ग तो रोड पे है, किसान वर्ग तो रोड पे है, युवा वर्ग है तो रोड पे है, हर तरह का कोई भी वर्ग है, साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार से खफा है। और जहां तक विपक्ष की बात है, बिल्कुल आप, मैं तो आपको कहता हूं आपका चैनल भगवान करे बहुत पढ़े फूले, कम से कम यहां हर तरह का व्यक्ति आके अपनी बात रख सकता है, किसान भी, यहां आपने बार बार कर्मचारियों की बहुत डिबेट आप करते हो, डिबेट आप जनता के बीच की करते हो, ये बड़ी खुशी की बात है, और खासकर विपक्ष को बोलने का पूरा मौका देते हो, इसमें भी कोई कसर नहीं छोड़ी। मतलब आपका काम हम कर रहे हैं आप? नहीं, हम भी कर रहे हैं, हम आके हम भी करते हैं, हम रोड पे भी कर रहे हैं, आपके पास भी आते हैं, आप भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, मतलब आपकी भी तारीफ करता हूं, सराहना करता हूं, जो मुद्दे आप लेके आते हो रोड के मुद्दे हैं, ये सरकार जो है पट्टी बांध चुकी है आंखों पे, प्रदेश का मुख्यमंत्री आप ये देख लीजिए, फरसा लेके हाथ में फरसा लेके गर्दन काटने की बात करता है, और कोई FIR दर्ज नहीं होती, कोई इस्तीफे की बात नहीं होती, विपक्षी तो बोल रहे बात, इस्तीफा दीजिए, आप इस तरह से किसी को नहीं बोल सकते, भले वो आपका कार्यकर्ता है, धारा आपने तोड़ी है, कानून जो हमारे देश का, हथियार हाथ में होने के बाद आप ये नहीं कह सकते मैं आपको काट रहा हूं। बड़ी चिंता का विषय है, कुछ ही चैनलों ने यह मुद्दा उठाया, हमने बहुत कोशिश की, कल जगह जगह जवाब मांगा, पर भारतीय जनता पार्टी का आप मान के चलो कोई भी प्रवक्ता सामने नहीं आया। फिर वही बात आ जाती है मुद्दों की बात, किसान इस देश का अन्नदाता है, इस बात को आपने मानना पड़ेगा, किसान का बेटा सेना में भर्ती सबसे ज्यादा है, ये बात आपने माननी पड़ेगी, किसान का बेटा अनपढ़ सबसे ज्यादा, ये बात आपने माननी पड़ेगी, किसान का बेटा ही भूखा सोता है, नंगे पैर चलता है, फटे कपड़े पहनता है, ये बात सबको पता है, और जो भी सरकार इस जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल, कांग्रेस के खिलाफ एक जन आक्रोश हमने किया, उसमें मुद्दे यही थे, अब भारतीय जनता 10 साल की कांग्रेस के सरकार ने लूटने का काम किया देश और प्रदेश को, पूरे देश में एक माहौल बन गया, और भारतीय जनता पार्टी के बहुमत के साथ इस गद्दी पर बैठा दिया। ठीक है, ठीक है। प्रदीप पराशर जी, इनेलो का मुद्दा अक्सर रहा इस वेल को लेकर, और काफी कोशिशें भी की हमने उस वक्त देखा कि पानी जो है हरियाणा का उसका हक दिला के रहेंगे, अब क्योंकि चुनाव नजदीक हैं और इस तरीके के मुद्दों को उठाकर आप सीधा जनता तक आवाज पहुंचा सकते हैं, क्या जो इस वक्त मुद्दे चल रहे हैं वहां पर आप लोगों की कोई रणनीति है कि उन मुद्दों के साथ सरकार को आप घेरेंगे कैसे? सिर्फ आलोचना कर देना, निशाना साध देना मुख्यमंत्री पर या फिर अन्य मंत्रियों पर, आपको लगता है ये काफी है या फिर कहीं ना कहीं इस वक्त फेलियर नजर आ रहा है आप सभी में? उदाजी, एक तो सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इंडियन नेशनल लोकदल की मेहनत को एक्नॉलेज किया कि SYL के लिए वो भरपूर संघर्ष करते रहे पिछले 5 साल के अंदर। दूसरी बात, आज जो माहौल हरियाणा में बना हुआ है, जिस प्रकार से ये जनविरोधी सरकार अपना चरित्र बार बार ही जनता के सामने जाहिर कर रही है, आप पिछले 5 साल से देखिए कौन सड़क पर नहीं है। मैं कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि पूरा प्रदेश आज सड़क पे है, जो कर्ज 50,000 करोड़ रुपए होता था उसको 1,00,000 करोड़ रुपए से ऊपर कुदा दिया, फिर 5 साल में हरियाणा के पूरे इतिहास में इतना कर्ज कभी नहीं लिया गया था जितना इस वजह पिछले 5 साल में लिया। ये अपने ही सांसदों को 29-29 लाख रुपए फीस देते हैं एक परफॉर्मेंस की, 28% बेरोजगार अगर जहां पे हो जिस प्रदेश में, वहां मैं मानता हूं कि इस तरह के आयोजन करना भी एक बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि एक धर्म के नाम पे, एक हमारी पवित्र किताब के नाम पे श्रीमद् भागवत गीता उसकी जयंती महोत्सव मनाते हैं और वहां पे जेबें भरते हैं अपनी। तीसरी सबसे बड़ी बात, 28% बेरोजगार जो हैं, उनके लिए इंडियन नेशनल लोकदल ने हमेशा आवाज उठाई है। अभी बात आती है ताजा तरीन, हमारे नेता अभय सिंह चौटाला जी अपने हलके में गए हुए थे, वहां पे बकायदा भारतीय जनता पार्टी के एक टिकटार्थी को बकायदा सबूतों के साथ उन्होंने पेश किया है मीडिया के माध्यम से कि वह आदमी खुद चिट्टे के और स्मैक के व्यापार में लिप्त है। तो इस तरह के अगर हम ये संघर्ष कर रहे हैं और विपक्ष जो भी है, हम सारे मिलकर भी ये संघर्ष करते आए हैं, और आज जो स्थिति है, स्थिति यह है कि मुख्यमंत्री जब एक खुले स्टेज से हजारों लोगों के बीच में खड़ा होके फरसा लेके अपने ही कार्यकर्ता जो कि टिकटारते भी था उसकी गर्दन काटने की बात करता, तो आप ये सोचिए कि विपक्ष कमजोर नहीं है, विपक्ष तो आवाज उठा रहा है, लेकिन सत्ता के मद में अंधा होकर बहरा होकर जो राजा, जो एक जनसेवक होना चाहिए था, वो आज राजा की फीलिंग ले रहा है मन के अंदर और वहां फरसा उठाकर कानून की धज्जियां उड़ाता है। और कानून की हालत आज प्रशासन की हालत देख लीजिए कि जहां, मुझे 2 मिनट दीजिएगा पूजा जी, जहां फेसबुक पर सोशल मीडिया पर अगर खिलौना बंदूक लेकर भी कोई आम आदमी सिर्फ एक फोटो खिंचवा लेता है तो पुलिस उसके घर पहुंच जाती है, उसको गिरफ्तार कर लेती है, उसको यह साबित करना पड़ता है कि वो खिलौना बंदूक नहीं थी। यहां पे एक 3 फुट के फरसे को लेके एक व्यक्ति को सरेआम
जान से मारने की धमकी, गर्दन काटने की धमकी दी जाती है और उसके बावजूद प्रशासन कुछ नहीं करता, कानून की धाराएं टूटने के बावजूद। आपने कहा कि विपक्ष कुछ नहीं करता, इंडियन नेशनल लोकदल, मैं प्रदेश प्रवक्ता के तौर पर इंडियन नेशनल लोकदल में हूं, मैंने खुद इस मामले की एक सरकारी शिकायत आज हर समय पोर्टल जो हरियाणा पुलिस का है उस पर मैं ऑफिशियली दर्ज भी करा चुका हूं। ठीक है, योगेश कौशिक जी, लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज कितनी महत्वपूर्ण होती है? लोकतंत्र में जितना अहम रोल हम देखते हैं कि सत्ताधारी पार्टी का होता है, उतना ही अहम रोल विपक्ष का होता है। आपको लगता है हरियाणा में ये बात चरितार्थ हो रही है साबित या नहीं हो रही, या इस वक्त विपक्ष संदेह के घेरे में नजर आ रहा है? क्योंकि ऐसे कई बुनियादी मुद्दे हैं जिनको जनता चाहती है कि उठाए सरकार के सामने, लेकिन कहीं दब रहे हैं वो मुद्दे। देखिए, थोड़ा सा पीछे चलते हैं हरियाणा के मामले में ही और पूरी सरकार के मामले में। लोगों को पिछले चुनाव में ही ये सोचना चाहिए था कि मोदी जी जहां जहां जाके भाषण दे के आए, पिछली बार खट्टर जी के नाम पे सरकार नहीं आई थी, वो मोदी जी के नाम पे आई थी, उन्होंने जो बोला है उनका बैकट्रैक क्या है? उनका बैकट्रैक है पूरे की पूरी चीजों को प्राइवेटाइज करना। पूरे गुजरात को आप चेक कराइए, हरियाणा एक ऐसी जगह थी जहां उन्होंने आके ये नहीं कहा कि मैं गुजरात मॉडल लेके आऊंगा, लेकिन लोगों की समझ में आना चाहिए था कि हर जगह ये बोल रहे हैं गुजरात मॉडल क्या है, तो यहां भी समझ में आना चाहिए था गुजरात में बिजली सबसे महंगी है। ठीक है, अब वही बात जो ये हमारा हरियाणा का जो परिवेश है उससे पे अगर मैं बात करूं तो ये कृषि प्रधान है, जितनी चीनी हमारे यहां पे होती है पूरा गुजरात पैदा नहीं कर सकता, हमसे 6 गुना बड़ा है वो। ठीक है, जितने एसी हमारे अकेले गुड़गांव में लगे हुए हैं पूरे गुजरात में उतने एसी नहीं है, जितने रोजगार हमारे अकेले गुड़गांव में है पूरे गुजरात के अंदर उतने रोजगार नहीं है। मींस भाई कि गुजरात मॉडल हमारे सामने बिल्कुल फेल मॉडल होता। अब अपने हरियाणा में आ जाइए, उन्होंने जो वहां किया गुजरात के अंदर जो किया उन्होंने, वो हरियाणा में उन्होंने किया है। जैसे उन्होंने बनते ही सबसे पहले एक जो 2000 में बने थे जब, वो तो उसमें वो गोधरा कांड हुआ था जिसकी वजह से वो जीत के आए थे, वो कांड इन्होंने यहां पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिपीट कराए हैं। उसमें लॉ ऑर्डर की धज्जियां उड़ी हो बेशक उड़े, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट ये अपने आप ये एक मोबिलाइजेशन करते हैं। अब किसानों का जिक्र कर लेते हैं, इनके लोग इतने संवेदनशील हैं, मैं मंत्री की बात कर रहा हूं किसी और की नहीं, जब किसान मरे थे मैं आपके यहां डिबेट में बैठा हुआ था, उसमें इन्होंने धनखड़ जी ने यह कह दिया था कि एक चिड़िया को छींक तक नहीं आई है और जो आत्महत्या कर रहे हैं वो निपुंसक लोग हैं। ऐसी ऐसी इन लोगों के बयान थे जिनका किसी ने कोई विरोध ही नहीं किया, किसी ने कुछ बोला ही नहीं। अब अपोजिशन की बात कर लेते हैं, बीजेपी के अंदर देखिए इनसाइड द पार्टी भी कोई डेमोक्रेसी नाम की चीज होती है, बिल्कुल, बट मोदी जी ने यह सिखाया है कि इनसाइड द पार्टी भी दो लोगों के अलावा किसी तीसरे आदमी को यह पता नहीं होता है कि वो करने क्या जा रहे हैं। नोटबंदी की दो लोगों के अलावा, उनमें गवर्नर का मैं काउंट कर रहा हूं क्योंकि उनके थ्रू होना था, ठीक है, वो और मोदी जी के अलावा पूरे देश में किसी को नहीं पता, उनकी पार्टी में किसी को नहीं पता। ठीक है, दो सेकंड और मुझे दे दो, मैं पूरी बात कर रहा हूं। हम चाहेंगे टॉपिक पे बात का भी नहीं पता, किसी चीज का नहीं पता, ये पता ही नहीं लगने देना चाहते। इनका स्टाइल ये है कि जो अपोजिशन पार्टी है उसको कभी भरोसे में मत लो, उसको नहीं, कोई इसमें भी सरकार की गलती है क्या? विपक्ष अगर मुद्दे नहीं उठा पा रहा तो वो सरकार नहीं, की गलती अभी है। अभी मैं वो भी बता देता हूँ, उठाते हैं तरीका है, देखिए ये एक डेमोक्रेटिक तरीके के अंदर आप अपना क्वेश्चन एयर देते हैं कि जी हमें ये सवाल करने हैं, आप इन लोगों के लोग हैं, इन लोगों से पूछिएगा, उन सवालों को इंक्लूड ही नहीं करते जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब बेरोजगारी की अगर मैं बात करूं, हरियाणा के अंदर आज के दिन हिंदुस्तान को नंबर एक पे लाके खड़ा कर दिया बेरोजगारी पे, जबकि हरियाणा में मेरे हिसाब से हरियाणा के बाहर के लोगों को बहुत ज्यादा रोजगार दे रहा है। इसमें पॉलिसी की कमी है, इसमें कोई ओपोजिशन की जरूरत नहीं है। या अभी एक और सरकारी नौकरियां दी गई हैं जिनमें सिर्फ 4 नौकरियां हरियाणा वालों को मिली हैं, 80 में से 2 हरियाणा को मिली है, बाकी बाहर की। अब इसके अंदर आप बताइए ना ओपोजिशन क्या करेगा? आप ट्रांसपेरेंसी के नाम पे बाहर वालों को नौकरी दे रहे हैं, अपनों को नौकरी दे ही नहीं पा रहे हैं आप। उसके अलावा मैं और बड़ी बात कर देता हूं, मारुति जैसी कोई फैक्ट्री मतलब मोदी जी आज तक नहीं लगा पाए जिसमें करोड़ों का रोजगार मिलता है। बिल्कुल, तो ये चीजें तो इसमें क्या करेगी अपोजिशन? ये तो इनके काम है ना, इनके पाइपलाइन में कुछ है ही नहीं आज के दिन। ठीक है, तो क्या करेगी अपोजिशन और कर क्या रही है इस वक्त? हमारे साथ अलग अलग विभागों से भी जो लोग हैं वो आ रखे हैं। अंकुर चौधरी, किसानों का मुद्दा आपको लग रहा है कि उस तरीके से उठ पा रहा है? अगर सरकार का ध्यान नहीं है किसानों पर तो आपकी आवाज कौन बनकर आगे आ रहा है? चरखी दादरी में जो कुछ भी हुआ
उसके प्रति सरकार की जो जवाबदेही होनी चाहिए थी वो जिम्मेदारी सरकार ने नहीं निभाई, लेकिन आपको लगता है जो विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए थी, जो विपक्ष अगर चाहता एकजुटता के साथ इस मुद्दे को उठाता, सरकार को घेरता, आपको हक दिलाता, वो हो पाया? देखिए ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी क्या है, किसान का तो देखो ऐसा है, हमेशा ही मार रही है, किसान हमेशा ही मरा है, चाहे वो किसान का बेटा हो, किसान हो, हर जगह अगर आप देखोगे तो किसान ही पिटता है। और ये अपने यहाँ ही सच्चाई है कि जो गरीब आदमी होगा वो हमेशा सबसे नीचे रहेगा। मैं किसान के ऊपर आता हूँ, तो फसलों का रेट जो इन्होंने दिया था, जो भी तय हुआ था, उसका क्या है? आप दाम मिल ही नहीं पा रहा है किसान को। मैं कहना चाह रहा हूँ जो किसान 2014 से लेके गन्ने का रेट आप देख लो उस टाइम पे क्या था और अब क्या है। किसान को कम से कम उसकी लागत का तो मूल्य पूरा मिलना चाहिए। अब क्या होता है, हम अगर किसी बैंक से लोन ले लें या कुछ भी करें तो क्या होता है, लोन अगर हम नहीं चुकाते हैं तो उसके ऊपर वो ब्याज लगा देते हैं हमारे ऊपर। अब हमारा मिलों के ऊपर पैसा पड़ा हुआ है, हम उनसे बोलते हैं कि भाई अगर हमारा जो पैसा आपके पास में रुका हुआ है कम से कम उसका ब्याज तो हमको दो, मगर नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अंकुर जी, ये जो चरखी दादरी में जो कुछ भी हुआ, उस मुद्दे को आपको लग रहा है कि सरकार ने जो काम किया है या सरकार ने जो अनदेखी की है इस पर जरूर एक्शन लेना चाहिए, या फिर विपक्ष भी, आप विपक्ष यहाँ पर सभी विपक्ष के नुमाइंदे बैठे हैं, आप क्या इनसे पूछना चाहेंगे कि आपके इतने सारे जो मुद्दे होते हैं सीधे आप लोग उठाते हैं, क्या विपक्ष भी उन मुद्दों को उतना ही भली भांति उठा पाता है या सिर्फ वोट बैंक की तरह देख लेता है आपको? ये वोट बैंक ही चलता है, ये अभी कुछ टाइम तक रहेगा, उसके बाद में फिर सारा कुछ वैसा ही हो जाएगा जैसा होना है, अभी कोई कुछ नहीं कहेगा इसके बारे में। रामनिवास जी हमारे साथ, जिला सचिव सर्व कर्मचारी संघ की तरफ से। रामनिवास जी, आपके कई सारे ऐसे मुद्दे हम देख रहे हैं कि चाहे रोडवेज हो या अन्य कर्मचारी विभागों, बहुत प्रदर्शन कर रहा है, अपनी मांगों को लेकर बार बार सड़कों पर उतर रहा है, जिससे जनता कितना परेशान हो जाती है, जनता बेहाल हो जाती है, सीधे तौर पर जो इसका इम्पैक्ट पड़ता है वो जनता पर पड़ता है। आपको लगता है कि ऐसे मुद्दे जो कि विपक्ष को भी उठाने चाहिए, उन मुद्दों की लड़ाई खुद आप लोग लड़ रहे हैं बजाय कि विपक्ष आपकी आवाज बनकर आगे आए? मैडम जी, ऐसा है हरियाणा के अंदर, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि विपक्ष हमारा बहुत ही कमजोर है मुद्दे उठाने के मामले में। रही बात इस सरकार की, सरकार ने शिक्षा को, स्वास्थ्य को और परिवहन को तीनों का बेड़ा गर्क कर दिया है, जिसके हम लगातार कर्मचारी रोड पे आ रहे हैं, रोडवेज के बारे में हमने संघर्ष किया काफी, हमने कहा कि ये जो आप किलोमीटर की स्कीम ला रहे हैं बहुत ही बेकार है, लेकिन सरकार नहीं मानी। हमने कहा भी सरकार के पास पैसा नहीं है तो हम एक एक महीने की सैलरी प्लस हमारा दो दो साल का जो बोनस ड्यू है वो हम देने को तैयार हैं। सरकार उसमें नए रोडवेज के बेड़े में नई बसें ले आई, जिससे एक बस के ऊपर 10 आदमियों को रोजगार मिलता है, लेकिन सरकार ने नहीं मानी और उस वो 900 करोड़ का घोटाला भी उजागर होगा, लेकिन फिर भी सरकार कह रही है कि रोडवेज की बस हम ले आएंगे, किलोमीटर की स्कीम ले आएंगे। आप नगर पालिका के कर्मचारियों को ले लो, उन्होंने कोई अपनी अलग से मांग नहीं करी, इन्होंने अपने जो 2014 के अंदर घोषणा पत्र, जो कि ये संकल्प पत्र कहते थे, उसमें ये मांग थी कि भाई ठेकेदारी प्रथा बंद करेंगे, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे। और शिक्षा मंत्री जो आज के दिन है रामविलास शर्मा जी, जब शिक्षा के ये गेस्ट टीचर थे या कंप्यूटर टीचर थे, उनको ये कहा था कि हमारी सरकार आने के बाद भी एक कलम से हम इसको आप लोगों को पक्का करेंगे, लेकिन शिक्षा के बारे में भी कुछ नहीं करें। लेकिन हमने अक्सर देखते हैं कि जब इलेक्शन टाइम होता है सरकार उन सभी मांगों को मान लेती है, या फिर जो भी तमाम विभाग के कर्मचारी होते हैं, तमाम विभाग होते हैं, वो मनवा ही लेते हैं अपनी बातों को लेकर, लेकिन यहाँ पर सरकार इतनी आत्मविश्वास में है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कोई नाराज भी है तो। देखो, यही तो हम कहने जा रहे हैं कि सरकार ने वो सारे वादे किए, हमारी 20 जुलाई को भी वार्ता हुई सीएम साहब से हुई, 21 बिंदु थे हमारे, तो उनपे 11 बिंदुओं पे सहमति भी जताई, लेकिन कोई पत्र जारी नहीं है, चाहे वो ठेकेदारी पर था बंद करना था, चाहे वो अपने कैशलेस की सुविधा थी, या भाई अपने ये क्या नाम है, मतलब तमाम मुद्दे हैं उनके बारे में।
राजेंद्र शर्मा जी, आपसे सवाल मेरा यह है सीधे तौर पर कि आपको लगता है कि अभी भी वक्त है, बहुत सारे मुद्दे हैं जो आप सीधा मतलब जनता से आप कनेक्ट कर सकते हैं, भावनात्मक तौर पर कहें या फिर कामकाज के तौर पर कहें, क्योंकि जनता का एक वर्ग ऐसा है जो बहुत अपने आप को शोषित, बहुत परेशान अपने आप को महसूस करता है, और उसकी आवाज कौन बनेगा, उसकी आवाज सरकार तक पहुंचाएगा कौन, सरकार पर दबाव कौन बनाएगा, सबसे बड़ा सवाल यह है। मैं फिर दोबारा फिर कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी का हर लीडर, स्थानीय जो लीडर है, मुद्दे उठाने में सक्षम है, वो लोगों में जाता है, अपने मुद्दे उठा रहा है वो, और लोग जनता के समझ में भी आ रहे हैं मुद्दे। आज जनता त्रस्त है, सरकार से काफी त्रस्त है, प्रशासन से उससे भी ज्यादा त्रस्त है। अब 25-25 हजार, 35-35 हजार रुपए के जो चलान हुए हैं, और लड़कों ने अपनी मोटरसाइकिलें फूकी है, वीडियो बन के आई है सबकी, उन्होंने कहा भी हम जेल काट लेंगे और सरकार अपना फरमान वापिस ले। कांग्रेस पार्टी के नेता उनका साथ दिया है, कांग्रेस पार्टी ने राज किया हरियाणा में, किसी का भी 100-150 से ऊपर चलान नहीं हुआ। 100 रुपए चलान पुलिस वाला ने कर दिया, कोर्ट से चलान पास हो गया। आज 35,000 की स्कीम, 40,000 की स्कीम और 23,000 की स्कीम कहां से आ गई? इलेक्शन के 15 तारीख तक मुद्दा वापस ले लिया है भाई, 15 तारीख के बाद इनको चलानों को करना, लोगों के सब समझ में बात है, लोग तैयार बैठे हैं, आने वाले दिनों में इलेक्शन में वोट की चोट से लोग जवाब देंगे इनको, और इनकी जो यात्राएं हैं वो सारी अधूरी रह जाएंगी। चलिए, विपक्ष तो कह रहा है कि वो अपनी आवाज को उठाते हैं भली भांति, और वो आवाज वो सरकार तक उठाते भी रहेंगे, लेकिन सवाल हमारा ये बना रहेगा आज का, और साथ ही विपक्ष से हम जानेंगे कि और कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको इस वक्त सरकार के सामना बेहद जरूरी है उनके लिए, और एक चुनौती भी है, एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। विपक्ष की नींद आखिरकार कब टूटेगी, या फिर वक्त आ चुका है कि अब विपक्ष एकजुटता के साथ अपनी आवाज को बुलंद करे, क्योंकि चुनावी मोड, एक्शन मोड, नजर सब कुछ आ रहा है, लेकिन विपक्ष जनता के बीच जाकर क्या जनता की आवाज को उठा पा रहा है, इसी को लेकर हम खास चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, प्रतिक्रिया सबने दी अभी तक और बताया कि कैसे सरकार तक अगर वो आवाज उठाते हैं तो उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। दलबीर जी, क्या वाकई में ऐसा हो रहा है? जो काम आपको जनता के लिए करना चाहिए, या फिर जनता अगर भरोसा करती कि अगर हमारी सरकार नहीं सुन रही तो हमारी तमाम पार्टियां, राजनीतिक दल, क्षेत्रीय दल हमारी बातें सुने, क्या आपको लग रहा है कि वो मुद्दे आप उनसे सीधा जुड़ पा रहे हैं? क्योंकि वक्त है अभी आप लोगों के पास, अगर ऐसे मुद्दे अगर आप भुना नहीं पाएंगे तो वाकई में फिर पिछड़ जाएंगे। पूजा जी, विपक्ष की भूमिका जिस तरह से हमारी जिम्मेवारी बनती है, ना जनता का विश्वास टूटने दिया, कभी ना टूटने देंगे। दो चार मुद्दे मैं आपको बताना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और प्रदेश में जब नहीं आई थी, आप सबको याद होगा, कैग की रिपोर्ट को विपक्षी पार्टी, जिसमें हम भी हैं, एक ऐसे समझते जैसे भगवान की रिपोर्ट है, शायद ये बिल्कुल सत्य है। कांग्रेस ने कितनी चोरी करी, कैग की रिपोर्ट में आ गया, हम भी ये मान रहे थे, हम सब ये मान के चलते थे। आज भारतीय जनता पार्टी ना, आप ये मान के चलो, पहले से कर्ज भी बढ़ा दिए, देश अर्जे प्रदेश पे है, और कैग की रिपोर्ट में साफ शब्दों में लिखा आ गया, हरियाणा का तो खासकर लिखा, अभी पीछे आई थी को एक महीना पहले, उन्होंने साफ लिखा, जो आपने कर्जा उठाया, आपने अपनी हैसियत से ज्यादा कर्जा प्रदेश में उठा लिया है। ये मुद्दा की जब हम बात करते हैं विधानसभा के सत्र में बोला तो क्या कहते हैं, हमने डेवलपमेंट इतनी ज्यादा कर दी है तो कर्जा तो उठाना ही पड़ेगा, हम काम कर रहे हैं। हम बार बार कैग की रिपोर्ट पर आ रहे हैं, कैग क्या कह रहा है, 2014 से पहले आप क्या कहते थे, हमने मुद्दा उठाया, नंबर एक। दूसरी बात, बार बार आपको कहेंगे हम 2022 तक किसान की आमदनी दूरी कर देंगे, दूनी कर देंगे। मैं आप सबको बताना चाहूंगा, किसान की आमदनी है ही नहीं तो दूनी किस चीज को कर देंगे? 3200 रुपए सिर्फ मात्र आपके कागजों में है किसान। दलबीर जी, किसानों की बात आप कर रहे हैं, चरखी दादरी वाले मसले पर आपके कौन सा नेता पहुंचा, क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं उनकी, क्या आप लोगों ने अभी तक किया उस पीड़ित परिवार के लिए? मैं बताता हूं। दूसरी बात है स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट की बात, केंद्र की सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, केंद्र की सरकार जब कांग्रेस की थी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट उस टाइम आ गई थी। आज भारतीय जनता पार्टी ने वायदा किया था हम लागू करेंगे, परंतु हरियाणा का जब इलेक्शन होया, किसान बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, वो नहीं जानते स्वामीनाथन ने, किसान कोई भी नहीं जानता, हरियाणा के घोषणा पत्र को निकाल लो, एक लगाओगे डेढ़ देंगे, एक का डेढ़ गुना देंगे, ये साफ शब्द तुम एक लाइन में लिखे, एक लाइन में किसान को हम डेढ़ गुना, लागत का डेढ़ गुना देंगे। किसान ने यह भरोसा किया और भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, परंतु आज बड़े हालत खराब है। अब आप आगे चरखी दादरी पे, चरखी दादरी से
राजदीप फोगाट जी, मैं जब यहाँ चैनल पर आ रहा था तो बात करके आ रहा था, पीड़ित परिवार के पास उस समय बैठे हुए थे, आप उनको फोन पर ले सकते हो, वो वहीं उस समय बैठे हुए हैं। आप, मैं तो चाहूंगा अगर आप बात करो तो अच्छा रहेगा, और वो वहां बैठे हुए हैं। हमारे नेता बिल्कुल जनता के बीच में रहते हैं, जनता के बीच में रहेंगे। किसानों का मुद्दा नहीं है, कर्मचारियों का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। हम बड़े अच्छे से तरीके से अपनी जिम्मेवारी से उठाने की पूरी कोशिश की है, परंतु गुंगी बैरी सरकार जो है बिल्कुल, कांग्रेस के मेरे मित्र ने एक बात अच्छी कही है, वोट की चोट जनता उनको देने के लिए तैयार बैठी हुई। कर्मचारी भी तैयार है, किसान भी तैयार है, युवा भी तैयार है, बुजुर्ग भी तैयार है, सब तैयार बैठे हुए हैं। मुद्दों की कमी नहीं है मैडम, मुद्दे तो इतने ज्यादा हो चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी मुद्दों की तरफ आ ही नहीं रही, ये तो नाचने में, गाने में, प्रोग्राम करने में लगे हुए हैं। मैं तो कहता हूँ चौधरी बीरेंद्र सिंह आज कहाँ चले गए, अमित शाह है तुमको लठ हाथ में पकड़ा दिया, अरे लठ नहीं, ना तो गोलियां मार दी। हरियाणा में पहली बार सरकारी गोलियों से 80 व्यक्ति से हरियाणा मरे, किसानों ने आत्महत्या पहली बार की, कैसा नहीं पता। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए तो बनाई इन्होंने, प्रीमियम काट के कंपनियों को दे देते हैं। अगर किसी किसान ने प्रीमियम दे रखा है, उसकी फसल को नुकसान हो गया, आपको कुछ नहीं मिलेगा, कहेंगे पूरे गांव की को उजाड़ दो पहले तब जाके मिलेगा, ये कोई ठेका थोड़ी हो है। आप प्रीमियम तो मेरे से ले रहे हो, मैं दूसरे गांव के तो पड़ोसी का कैसे मैं उजाड़ दूं खेत को, मेरे मेरा अगर कोई नुकसान है तो मेरे को दो, मैंने प्रीमियम पर रखा है। प्रीमियम भी आप मानो जबरदस्ती काटते हैं। हाँ, किसानों की एक सरकार आई थी, मैं याद दिलाना चाहूंगा, श्री अटल बिहारी वाजपेयी की, उन्होंने सबको याद होगा किसान क्रेडिट कार्ड पे 4% ब्याज लागू किया था। आज मुख्यमंत्री छाती पीट रहे हैं, अब मैं 8% ब्याज जो आप नहीं भर पा रहे हो कम कर दूंगा। अरे 12% तो कभी ब्याज ही नहीं था हरियाणा में, किसान क्रेडिट कार्ड पर तो 4% था, आप क्या मतलब माफ कर रहे हो। ये बैंकों से मिलके लूटने का काम कर रहे किसान को। किसान एक भोड़ा भाड़ी जाति, मैं फिर कहता हूँ, खेलों में किसान, सेना में किसान, मत किसान नहीं मरना जा मरेगा, किसान ही मर रहा है। किसान पर ये सरकार बिल्कुल संवेदनशील नहीं है, और किसान को अगर इग्नोर किया तो धरती पुत्र है किसान, आपको जो है परमात्मा कभी माफ नहीं करेगा। प्रदीप पराशर जी, अब कौन कौन से मुद्दे इनेलो की तरफ से रहने वाले हैं जो आपको लगता है बहुत महत्वपूर्ण हैं, और उन मुद्दों को आपको बार बार सरकार पर पहुंचाना है, चाहे सरकार सुने या ना सुने, लेकिन आपको अपनी जिम्मेदारी, अपना दायित्व निभाना है। इंडियन नेशनल लोकदल हमेशा से अपना कर्तव्य निभाती आई है, क्योंकि जनता की सोचती है और जनता के लिए काम करती है। जहां तक आपके सवाल का जवाब है, हर वो मुद्दा जिस पर सरकार फेल हुई और हर वो मुद्दा जिसकी आज जनता को जरूरत है कि इसमें कोई रिलीफ मिले। आपके एक और सवाल पुराने वाले का कि चरखी दादरी में, मैं कुछ याद दिलाऊं कि चरखी दादरी में अभी से नहीं, 2017 में भी इसी सरकार की रेबरी में, इसी सरकार के होते हुए किसानों की जमीन नीलाम करने के नोटिस चस्पा हो गए थे मकड़ानी गांव के अंदर। वहां पे मैं और मेरे साथी सुखवंत सिंह, हम दोनों वहां पहुंचे, जबरदस्ती वो नीलामी हमने रुकवाई। उसके बाद अब 2019 आते आते वहां पे दोबारा से उन किसानों की हालत हो गई कि आज वहां पे एक को सरकी दादरी में आत्महत्या भी करनी पड़ी। मेरी अभी मेरे साथी से बात हुई है, वो भी आज उन्हें मेरी जगह आना था तो वो भी वहीं कैंसिल करके और मुझे यहां भेज दिया है, वो वहां जा रहे हैं। तीसरी बात, कोई मुद्दा आप देख लीजिए, मैंने बेरोजगारी का प्रश्न पहले भी उठा लिया पहले पिछले जवाब में, अभी मैं आ जाता हूं कानून व्यवस्था के ऊपर। 5 साल के अंदर पूरे हरियाणा को मालूम है, हर आदमी को मालूम है किस प्रकार से लचर प्रशासन रहा है, चाहे किसी कांग्रेसी प्रवक्ता की हत्या की बात हो, चाहे किसी व्यापारी की हत्या की बात हो, चाहे किसी आम आदमी की हत्या की बात हो, और चाहे वसूली की बात हो, चाहे सरकारी तौर पर मारे गए 80-82 जो हमारे युवा थे वो, और वो हजारों नवयुवक जो एक आंदोलन के अंदर एक प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर तरह तरह की धाराएं और देशद्रोह तक की धाराएं लगाकर उनको आज जेल में चढ़ाने का काम इस सरकार ने किया है। यह इस मुहिम को लेकर हमारे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी पहले भी बोल चुके हैं कि सरकार बनेगी तो सबसे पहले रिलीफ उन बच्चों को मिलेगा, वो घर अपने जाएंगे, मुकदमे वापस लिए जाएंगे। युवा पीढ़ी के ऊपर मुकदमे लगाकर उनके पूरे भविष्य को नेस्तनाबूद इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। दूसरी बात, जी, जी। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात आती है कि जहां पे हम किसानों के ऊपर अत्याचार देख रहे हैं इस सरकार के द्वारा, दूसरी तरफ जो नौकरी पेशा हमारे कर्मचारी हैं और साथ में प्राइवेट सेक्टर में भी आप देखिए जिस प्रकार से ऑटो सेक्टर गुड़गांव के अंदर है 40% के करीब डाउनफॉल है। मारुति ने प्लांट बंद किए, अशोक लेलैंड ने प्लांट बंद कर दिए, और आपको भी यह मालूम होगा कि गुड़गांव, फरीदाबाद, रोहतक ऑटो सेक्टर एंसिलरी जो है, जो सब सेक्टर है,
उसके अंदर जो गिरावट आई और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की लेबर है, जो गरीब आदमी, जो दिहाड़ीदार मजदूर था, उसको किस प्रकार वापस गुड़गांव छोड़कर अपने गांव में जाना पड़ा, जो स्किल्ड बच्चा था, ये स्किल की बात करते थे, कौशल योजना की बात करते थे, आईटीआई के हुए बच्चे जो ठेकेदार के थ्रू लगे हुए थे मारुति जैसी कंपनियों में और सब्सिडरीज के अंदर, आज उनको अपना बिस्तर उठाकर वापस जाना पड़ा, जो 10-10 साल से यहाँ प्राइवेट नौकरी कर रहे थे, वो भी ठेकेदारी प्रथा की। अभी मेरे एक साथी बोल रहे थे कि ठेकेदारी प्रथा को बंद करने की बात पर सहमति बनी थी, कौन सी सहमति बनी मैं बताता हूं आपको। चुनाव आते आते 4 साल 9 महीने बाद खट्टर साहब को लगा कि भाई अब बड़ा नुकसान हो चुका है, तुमने कुछ नहीं किया, कुंभकर्णी नींद में सो रहे, अब क्या कर सकते हैं, तो 154 जो इन्होंने घोषणाएं 2014 में अपने घोषणा पत्र में की थी उसमें से एक तिहाई पूरी नहीं की और मेरे ख्याल में 400 से ज्यादा योजनाओं की घोषणा दोबारा 3 महीने में कर चुके हैं। और इससे भी बड़ी बात, जब बात आती है विकास की, ये बात करते हैं कि हमने विकास किया, मैं बताता हूं कौन सा विकास किया। विकास किया चंडीगढ़ में घूमता हुआ विकास, वो था इनका विकास। बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ करते करते आज हरियाणा रेप में नंबर 1 पे आ गया, महिलाओं के ऊपर अपराध में नंबर 1 पर आ गया। बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की और विकास की, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, कौन सा ऐसा गड्ढा गुड़गांव के अंदर नहीं है जहां कौन सी सड़क नहीं है जहां गड्ढा ना हो, कौन सा ऐसा फ्लाईओवर नहीं है जो टूटा ना हो या बीच में छेद ना हुआ हो, कौन सा ऐसा सड़क पे जाम ना लगा हो जो महाजाम के नाम पे। प्रदीप जी इतने मुद्दे जो आप यहाँ प्रदीप जी गिनवा रहे हैं, यहाँ पर प्रदीप जी इतने मुद्दे आप गिनवा रहे हैं, इन मुद्दों से आपको लग रहा है कि सरकार पर इतना भी असर पड़ा है, सरकार ने इतनी भी बात सुनी है आपकी, आप हुए हैं अपने जिम्मेदारी में, जो अंधे बहरे हो चुके हो उनको कुछ नहीं मालूम चले, डिवाइड एंड रूल वाला गेम अपना जहर ये भर चुके थे, अब जहर वो लोगों को समझ में धीरे धीरे आ रहा है, वोट की चोट से जवाब देंगे। एक अंतिम लाइन के साथ अपना जवाब बंद करूंगा, पूरा करूंगा। विकास की बात करने वाले गुड़गांव के ही अपने केंद्र कैबिनेट मंत्री लोक निर्माण विभाग के 4.5 साल से बजगेड़ा का पुल पेंडिंग पड़ा है, आपको जानकर हैरानी होगी 3 बार उसका उद्घाटन कर चुके हैं पिछले 3 महीने में, किस लिए, सिर्फ वोट के चक्कर में। एक दिन के लिए फॉर्मेलिटी का अंडरपास खोला, पुल तो अभी भी अधूरा है, अंडरपास खोलकर पूरे एरिया में फैलाकर अंडरपास खोला, जैसे मंत्री जी गए अंडरपास फिर बंद हो गया। आप फिजिकली अपने कैमरामैन को चेक कर अपनी टीम को भेजकर रिपोर्ट वहां पे देख सकते हैं। मैंने खुद मुख्यमंत्री जी को, मैं इंडियन नेशनल लोकदल में हूं, मैंने खुद मुख्यमंत्री जी को जब जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान वो गुड़गांव आ रहे थे, मैंने नोता दिया सोशल मीडिया के थ्रू, ट्वीट के थ्रू, कि मुख्यमंत्री जी मैं आपको सादर निमंत्रण देता हूं, आप बजघेड़ा पुलिस स्टेशन गुरुग्राम यह जगह है, रास्ता कोई भी चुनिए, सड़क कोई भी चुनिए, लेकिन साथ में मीडिया को लेके आइएगा, जिस भी सड़क से आप आएंगे मैं आपका स्वागत करूंगा, बस एक शर्त है, उस सड़क पे खड़े होकर मीडिया को साथ लेके लाइव कैमरे चलवा के ये कह देना कि यह भाजपा का विकास है। मुख्यमंत्री जी ने इग्नोर किया क्योंकि वहां पे 1.5 से 2 फुट के गड्ढे हैं, आदमी वहां चल नहीं सकता और वहां पे 2 लाख आदमी रहते हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी का विकास और यह है विपक्ष का संघर्ष, लेकिन अंधी बहरी सरकार है और जनता को आपके माध्यम से सचेत करना चाहता हूं, इस अंधी बहरी और इस घमंडी सरकार को अब गिराने का वक्त आ चुका है। लोकतंत्र का महापर्व आने वाला है हरियाणा के लिए, अब दिशा बदल दो, दशा बदल दो हरियाणा की, भाजपा को वापस भेज दो जहां से आए। धन्यवाद। योगेश कौशिक जी, जनता किस पे एतबार करे, क्या वाकई में बेबस जनता की सुन रहा है कोई, क्योंकि यहाँ पर तो तमाम मुद्दे उठा दिए गए, उन मुद्दों से सरोकार किस किस को है। देखिए मैं आपको बहुत ही ईमानदारी से बात करूंगा, ये तो पार्टी के लोग हैं, बिल्कुल बोल सब बिल्कुल सच बोल रहे हैं ये, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन होता क्या है कि जब जब कभी इतना ज्यादा अत्याचार बढ़ जाता है ना तो आम जनता को भी सामने आना पड़ता है। 1977 में उस वक्त ऐसा ही सा माहौल हो गया था, बेरोजगारी बढ़ गई थी, महंगाई बढ़ गई थी, मतलब काफी सारी प्रॉब्लम वही थी जो आज के दिन नजर आ रही है और लोग बोल रहे हैं। लेकिन उस टाइम पे इंदिरा जी होती थी, बोल्ड थी, उन्होंने अपने एक जंग बहुत बड़ी जंग जीत ली थी, जैसे मोदी जी ने भी जीत ली है, लगभग मैं कह रहा हूं बिल्कुल ऐसे सही हालात थे। उनको भी ये गरूर था कि अब मुझे हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है, इनको भी गरूर है कि इन्हें अब हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। तो होता क्या है, ऐसे टाइम पे एक तो सारे के सारे विपक्ष को एक होना पड़ेगा, इनेलो हो गया, जेजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, बीएसपी हो गई और 2-4 और जो भी पार्टियां हैं, इन सबको एक होना पड़ेगा। नहीं तो आपस में ही एक नहीं हो रहे हैं, तो फिर योगेश जी कैसे उम्मीद करें कि ये एक हो पाएंगे। नहीं मैं तो देखिए मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, मैं इनसे उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, मैं ये एक आइडियलिस्टिक जनता इन पर विश्वास भी क्यों करे, क्योंकि जब वो जनता ये देखती है कि हमारे मुद्दे उठाने वाले खुद ही हमें एकजुट नहीं नजर आ रहे हैं, अभी मैं इन पर विश्वास करूं, मैं आपको एक वहीं पे लेके चल रहा हूँ, अब जरा मेरी पूरी बात सुन लो। उस टाइम पे भी विपक्ष सारा एक किसी विरोधी ने नहीं किया था, उस टाइम पे कांग्रेस से ही निकले हुए जयप्रकाश नारायण जी ने वो सारा का सारा विपक्ष अपने साथ जोड़ा, और अगर किसी में इंसानियत होगी
तो इन्हीं में से लीडर बाहर निकलेंगे, सबको जोड़ेंगे, प्लस उसके साथ जनता को साथ चलना होता है, जनता को दिखाना होता है कि हम में वाकई रोष है। लेकिन होता क्या है, ये संवेदनहीन लोग हो चुके हैं मुझे ऐसा लगता है, या वो इंतजार कर रहे हैं कि चलो जैसा भाई लोग बोल रहे हैं तीनों पार्टी के कि जनता वोट की चोट का इंतजार कर रही हो शायद। अदरवाइज इनकी समस्या सुनिए कर्मचारियों की, क्या ये छोटी समस्या है? आप बच्चों से जाके पूछिए जिनके पास रोजगार नहीं है, आप किसानों से पूछिए जो आत्महत्या करने पे मजबूर हो गए हैं। और मुझे शर्म आती है, मैं गर्व से कहा करता था जब कहीं बाहर जाता था कि हरियाणा में आज तक किसी किसान ने हत्या नहीं की, आत्महत्या नहीं की है, पर हरियाणा में पहली बार ऐसा हुआ। ऐसे ही इनका जो मुद्दा है कि जो भी कर्मचारी वर्ग था हमेशा खुश रहा है मेरे हिसाब से, लेकिन इनकी पॉलिसी, बीजेपी की पॉलिसी आज भी यही है, अगर ये लोग नहीं समझेंगे तो इनका कोई इलाज नहीं हो सकता। ये प्राइवेटाइजेशन में विश्वास रखते हैं और बड़े लोगों को फायदा दिलाना चाहते हैं। ये उस वॉलमार्ट को दोबारा से लेके आ गए जिसका ये विरोध करते थे। जो जो मोदी जी ने विरोध किए थे वो सारी की सारी चीजें उन्होंने लागू कर दी हैं। जिनको कहते थे कि नहीं होने देंगे उनको सबको लगा दिया है। इसका मतलब ये है कि इनको अपना कोई, इनके पास ब्लू प्रिंट है ही नहीं कि मुझे करना क्या है। वेयर एज मुझ जैसा एक आम आदमी ये जानता है कि हरियाणा का रोजगार खत्म हो सकता है सिर्फ 90 दिन में, अगर आपके पास ब्लू प्रिंट हो तो आप करके दिखाइए। आपको पता ही नहीं है चलता कैसा है, कोई बाबा सरकार चला रहा है, कोई प्रचारक सरकार चला रहा है, मैं कैसे मान लूं देश चल जाएगा? आप लोगों को मालूम ही नहीं है कि किसान की प्रॉब्लम क्या होगी। आप बिल्कुल राहुल जी को कह दो मैं मान लेता हूं, लेकिन मोदी जी को क्या पता है या खट्टर जी को क्या पता है? जब किसान मरता है उससे हाल तक पूछने के लिए नहीं जाते हैं वो, जब एक कर्मचारी खड़ा होता है रोड पे उसकी समस्या नहीं समझते हैं वो, और जो समस्या है प्रदर्शनकारी खुद को आग लगा देता है, प्रदर्शनकारी खुद को आग लगा देता है, उसको भी नहीं समझते, ध्यान नहीं देते वो लोग। और ये सुनिए, अब मैं आज इन लोगों ने आपका धन्यवाद कर दिया, मैं कह रहा हूं मैं हर चैनल पे जाया करता था, आवाज जहां तक बोलने की बात है ना, मुझे कोई चैनल नहीं बुलाता सिर्फ आपके, क्योंकि मैं यही चीज वहां पे भी बोलता था। तो अब जब आवाज ही नहीं, कोई सच्चाई ही नहीं सुनना चाहता, तो सुनने की छोड़ो, उनको सब पता है। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, बाबा के मामले में, चंडीगढ़ में पहले इन्होंने भीड़ जुटाई और जुटने के बाद आग लगने दी, और लगने के बाद जैसे ही ऑर्डर किए कि अब रोको आग, दो घंटे के अंदर बिल्कुल शांति हो गई थी। इसका मतलब वो चाहते थे। ऐसे इन सबसे बड़ी बात जो मुझे जिसका अफसोस आज तक है, मुझे मतलब शर्म आती है कि मैं ऐसे देश में रह रहा हूं, बच्चों के माथे पे गोलियां मारी गई हैं, सीधा माथे पे, जबकि कानून कहीं नहीं ये कहता आप पैर पे गोली मार सकते हैं, अंडर द बेल्ट आप गोली मार सकते हैं, माथे पे नहीं मार सकते। इसका मतलब ये प्लान्ड था सारा का सारा। और जो बच्चे आज के अंदर जेल में हैं, क्या वो लोग भूल जाएंगे? उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे ये लोग। पुराने मुद्दे भी कहीं हैं और आगामी मुद्दे और साथ ही अभी वर्तमान के मुद्दे भी कहीं हैं, लेकिन मुद्दों को कैसे उठाया जा रहा है, और हरियाणा न्यूज की इसीलिए बार बार ये कोशिश है कि हम इन मुद्दों को प्रमुखता के साथ उठाएं, सच्चाई के साथ उठाएं, सरकार से बार बार पूछें, सरकार से सवाल पूछें, चाहे सरकार जवाब दे या ना दे, लेकिन सरकार से जवाब जरूर पूछा जाएगा कि आखिरकार जो इतने प्रदर्शन हो रहे हैं, हड़ताल हो रही है, एक तरफ किसान आत्महत्या कर रहा है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार को जवाब भी जरूर देना होगा। किसानों की बात अंकुर चौधरी जी हो रही है, मुझे ये बताइए चरखी दादरी वाले मसले पर ही आपको लगता है कि आप विपक्ष से अब क्या अपील करना चाहेंगे? अगर सरकार आपकी नहीं सुन रही है तो विपक्ष को आप कैसे कह सकते हैं कि आप ललकारे, आप जाएं सरकार से, हमारे लिए आप कुछ कीजिए? देखिए ऐसा है, मैं आपको बता दूं कि जितना भी किसान मरता क्यों है, किसान को उसकी लागत का जो मूल्य मिलना चाहिए वो मूल्य मिलता ही नहीं है। जो किसान का अभी क्या हुआ था, अभी मेरे इन्होंने एक अच्छी एक बात उठाई थी चलान का, कि इन्होंने एकदम से चलान हाई कर दिया। अरे किसी की नौकरी, कोई किसान का बेटा अगर फौज में नहीं गया और वो प्राइवेट नौकरी कर रहा है और उसकी सैलरी ही केवल 15,000 रुपए है, तो वो कहां से चलान भरेगा? वो इन बेरोजगारी तो खुद बे खुद कम कर रहे हैं अंकुर जी। लेकिन आपको लग रहा है कि अभी वक्त आ गया है कि आप विपक्ष से भी गुहार लगाएं, अगर आपकी कोई मांग है या फिर आपकी कोई ऐसी अधूरी मांगे हैं जो पूरी नहीं हो रही और आपको लगता है कि विपक्ष एक माध्यम बन सकता है आपकी आवाज उठाने का, क्योंकि इससे ज्यादा माध्यम आपको कोई नहीं मिलेगा इससे बढ़िया। अंकुर जी, आप चाहते हैं विपक्ष से ये गुहार लगाना कि आपकी आवाज को वो उठा पाए, आपके जो जो मुद्दे हैं आप उनको बताएं और वो उन मुद्दों को आगे लेकर जाएं। मैं बिल्कुल वही बात कर रहा हूं, किसान की सिर्फ समस्या यही है, उसका जो रेट है
वो ठीक से मिल जाए, इन्होंने वादा किया था कि हाँ अभी बिल्कुल ऐसे मुद्दे हैं और उन मुद्दों को लेकर वाकई में क्या विपक्ष उठा पा रहा है। रामनिवास जी, कर्मचारियों की जो भी मांगे हैं, सरकार कई बार आपके साथ खड़ा भी विपक्ष बार बार आपके साथ खड़ी भी हुई है, लेकिन आपको लग रहा है कि इस वक्त जो मुद्दे हैं और बार बार जो आम जनता को झकझोर रहे हैं, आम जनता को परेशान कर रहे हैं, जिस पर सरकार अनदेखी कर रही है, बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है, उन मुद्दों को लेकर अब आप लोग क्या करने वाले हैं, आपकी खुद की रणनीति क्या रहने वाली है? कौशिक जी ने बताया था कर्मचारियों के बारे में, हमारी रणनीति तो ये है कि ये जो सरकार जो विभागों को तोड़ रही है और गुड़गांव का नाम गुरुग्राम रख दिया, हुड्डा का विभाग एक ऐसा था जो कि हरियाणा के अंदर शहरों की दशा सारी बदली और हरियाणा को एक नंबर में ले आया, साफ सुथरा शहर बसाने में जो हुड्डा विभाग ने भूमिका निभाई। लेकिन इस सरकार ने क्या करा कि हुड्डा को तोड़ के उसका काम जीएमडीए को दे दिया, जीएमडीए को ऐसे ही फरीदाबाद में एफएमडीए बना दिया, मतलब विभागों को तोड़ के कर्मचारियों को बेघर करके, और ये सरकार जो राज कर रही है ये बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि तो इन कर्मचारियों को इन मुद्दों को आपको लगता है इन कर्मचारियों की आवाज बनना चाहिए था विपक्ष को, तमाम पार्टियों को, विपक्ष में जैसे मैं धनखड़ जी से सहमत हूँ कि इन्होंने बात बताई कि किसानों के बारे में जो इन्होंने प्वाइंट उठाए और कर्मचारियों के बारे में, तो कर्मचारी आज को मजबूर है, तो आवाज अगर उठ रही है तो शोक नहीं है कि उस आवाज उठने के बाद वो दब क्यों रही है, उसका समाधान क्यों नहीं निकल रहा? ये सरकार ही कर्मचारी विरोधी सरकार है, ये तो पूंजीपतियों के साथ में कर्मचारियों की जो बात इन चार बार बातें सीएम साहब ने मान ली, 20 जुलाई को हमारी बात मानी, लेकिन पत्र जारी नहीं किए, सिर्फ कैशलेस की और जो अपने एक्सग्रेशिया, इस एक्सग्रेशिया में भी बड़ी श्रम की बात है कि इन्होंने कंडीशनें लगा दी, अगर पांच साल से पहले नहीं मिलेगा, कर्मचारी जब लगता है तो पांच साल की उसकी सर्विस हो और 52 साल से पहले मरे, मतलब एक मरने की भी सीमा इन्होंने तय कर दी, अगर पांच साल से पहले ना मरे और 52 साल के बाद में ना मरे, अगर इसके बीच में मरता है तो एक्सग्रेशिया लागू है, अपनी एक्सग्रेशिया ये तुरंत अपने बच्चों को दे देते हैं, अपनी पेंशन के लिए ये बढ़चट के बात करते हैं, जबकि पुरानी पेंशन बंद कर दी गई, नई पेंशन 2004 से सेंटर में और 2006 से हरियाणा सरकार। देश घाटे में है लेकिन फिर भी $1 अरब विदेशों में जाके अपना नाम बनाने के लिए, अपनी वाहवाही लेने के लिए दे के आते हैं। सोच के देखो ना कि क्या मेंटेलिटी क्या है इनकी, कहते हैं तो सीक्रेसी है, होता रहता है, ये समझ में ही नहीं आता मेरे तो कि क्या हम हैं कहां, मतलब हम कोई ट्रांसपेरेंसी नाम की चीज अगर प्रधानमंत्री बोलते हैं देश को आके जवाब दें कि ये पैसे दे के आए उसका ये मुझे फायदा होने वाला है, कुछ तो बताएं, ठीक है बताएं, और वो बताएगा कौन, क्योंकि देशद्रोही है, आपके यहाँ जवाब ये बात पूछ लेते हैं कि आप देशद्रोही हैं, ये बात क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। चलिए, हमारे मंच ने आप सभी को मुखर होकर आवाज उठाने का मौका दिया, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, आप हमारे साथ आए और हम उम्मीद करते हैं कि जिस जिम्मेदारी के साथ, दायित्व के साथ इस मंच पर आवाज उठी है, उसी जिम्मेदारी के साथ जनता के बीच जाकर उनकी आवाज को उठाया जाए, दबाने के बजाय उनकी आवाज को प्रमुखता के साथ बार बार उठाया जाए, उनके जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान भी निकाला जाए, और लोकतंत्र का यही खासियत होती है कि विपक्ष अपनी भूमिका को नजरअंदाज करने के बजाय उस भूमिका को निभाए, चाहे जितनी भी चुनौतियां उसके सामने आन खड़ी हो। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही, नमस्कार।